श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में लिप्त सातों आरोपियों को एनआईए ने कोर्ट में पेशी के बाद 2 जनवरी तक जेल भेज दिया, लेकिन जयपुर सेंट्रल जेल ने इन आरोपियों को रखने से साफ तौर पर मना कर दिया। दरअसल जयपुर सेंट्रल जेल ने इसका कारण बताया है कि आरोपियों को जान का खतरा है। जयपुर सेंट्रल जेल इन लोगों के लिए मंजूर हुई थी, लेकिन जयपुर सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने वार्तालाप करने के बाद साफ तौर पर गोगामेड़ी के हत्यारों को रखने से मना कर दिया। जयपुर सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने बताया कि गोगामेड़ी की हत्या के बाद से प्रशासन पर भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है और इन्हें जयपुर सेंट्रल जेल में रखना इनकी हत्या की मौत को बुलावा देना है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में आरोपित सातों आरोपियों और उनकी मदद करने वाले कुछ आरोपियों को दरअसल एनआईए ने कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 जनवरी तक जयपुर सेंट्रल जेल में रहने के आदेश दिए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रशासन उनको लेकर जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा तो जयपुर सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें जयपुर से अजमेर सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया है। बताया जा रहा है जयपुर सेंट्रल जेल में इन सातों आरोपियों को 2 सेल में रखा गया है, साथ ही 24 घंटे इन लोगों पर निगरानी भी पुलिस वालों के द्वारा रखी जा रही है। इन लोगों को सीसीटीवी सर्वेलेंस में रखा गया है, साथ ही गोगामेड़ी हत्याकांड में पूजा सैनी नाम की एक लेडी डॉन को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने गोगामेड़ी के हत्यारों को 7 दिन तक अपने घर में बना दी थी। इसी के साथ पूजा सैनी के पति महेंद्र कुमार मेघवाल भी अभी फरार चल रहे हैं, उनको भी पकड़ा नहीं गया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर गोदारा का उससे सीधा कनेक्शन था और उसी ने गोदारा के थ्रू हथियार सप्लाई करवाए थे। गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद से राजस्थान में आक्रोश का माहौल है और राजस्थान में इन हत्यारों के खिलाफ जान से मारने की धमकियों जैसी कुछ खबरें भी चल रही हैं। लेकिन अब बताया गया है कि इनको लगातार जयपुर सेंट्रल जेल के मना करने के बाद अजमेर के सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया गया है। अजमेर सेंट्रल जेल में लगभग 40 हार्डकोर अपराधी वहाँ पर बंद हैं और उन्हीं में 2 अलग अलग सेलों में इन लोगों को रखा गया है। पुलिस वालों की और सीसीटीवी सर्वेलेंस की निगरानी में ये लोग रखे गए हैं। गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी नई अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।